नमस्कार फूडीज, लता के रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बेसन का चीला, जिसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा बाउल बेसन, चने का आटा, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज, बारीक कटा हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। ये आप देख रहे हैं अनारदाना है, जिसको मैंने हल्का दरदरा कूट लिया है, थोड़ी सी अजवाइन और सूखा फोदीना, और यहाँ हम रिफाइंड तेल है और पानी है। तो फूडी, सबसे पहले हम डो बनाएंगे, जिसके लिए हम पहले हम बेसन में प्याज डालेंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया भी मिला लेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं, पीसा धनिया डाल लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक मिला लेते हैं, अनारदाने, अजवाइन और सूखा पुदीना। हमने सारे सूखी चीज़ें इसके अंदर मिला ली है बेसन में। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और एक बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और एकदम गाढ़ा भी नहीं रखना है, ऐसा बनाना है जो तवे पे आराम से फैल सके। तो फूडीज देख रहे हैं बैटर तैयार हो गया है, इसी तरह का रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रखना है। अब हम चीला बनाते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं और तवा थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं। तो फूडीज तवा गर्म हो गया है, अब हम ये जो घोल बनाया है वो इसके ऊपर फैलाएंगे। आप जितना बड़ा बनाना चाहें उस हिसाब से इस पे डाल दीजिए और हल्के हाथों से इसे फैला लीजिए। मैंने डोसा तवा लिया है, आप चाहो तो नॉर्मल तवे पे भी बन सकता है। अब हम इसे किनारी किनारी पे तेल डाल लेंगे थोड़ा सा, और कम आंच पे इसे थोड़ी देर पकने देंगे। अब किनारी से हम हल्का हल्का इसको हटा लेते हैं, देखते हैं पीछे की तरफ से अगर पक गया है तो ये उतर आएगा, अगर ये नहीं उतरता है तो कुछ देर के लिए और इसे रहने दीजिए। एक बार फिर कोशिश करते हैं, चीले को पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी इसको थोड़ी देर के लिए सेकने देंगे। दूसरी तरफ भी पलट लेते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी बन गया है। इस तरह से दोनों तरफ घुमाते हुए इसे हमें पका लेना है। तो फूडी, ये दोनों तरफ से सीख के बहुत अच्छी तरह से हमारा चीला तैयार हो गया है। अब हम इसे उतार लेते हैं, एक प्लेट में रख लेते हैं। आप अपनी मनपसंद चटनी या टमाटो केचप के साथ इसे खा सकते हैं। तो फूडीज, ये तैयार है हमारे बेसन का चीला, एंजॉय करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।